देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 196,427 नए केस, 3,500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मई माह के 24 दिन में कोरोना से सर्वाधिक मौतें, कानपुर में अभी ढीले नहीं वायरस के तेवर। वाराणसी में जमीनी विवाद में लाठी से पीटकर महिला शिक्षिका की हत्या, अन्य जख्मी अस्पताल में भर्ती। आगरा में 18 से 44 वर्ष वालों को इस हफ्ते नहीं लगेगी कोवैक्सीन, सभी के लिए अपॉइंटमेंट निरस्त। सपा सांसद आजम खान की फिर बिगड़ी तबीयत, रखा गया ऑक्सीजन सपोर्ट पर। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच संघ नेता लखनऊ पहुंचे, कई बैठकों में होंगे शामिल। गोरखपुर से 24 घंटे में 2 मासूमों समेत 18 संक्रमितों की मौत, 106 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमण काल में समाज कल्याण विभाग की पहल, घर बैठे वृद्धों की मदद के लिए शुरू हुई एल्डर हेल्पलाइन। कोविड कमांड सेंटर में केवल कोरे आश्वासन, नहीं मिल रही मदद, रियलिटी चेक से हुआ खुलासा। मिर्जापुर में सीएम योगी ने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, कोरोना संक्रमितों से कर सकते हैं मुलाकात। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।